हेलो एवरीवन, हाउ टू कंप्लीट लूसेंट जीके स्मार्टली। अगर आपने ये वीडियो का जो ये थंबनेल है आपने देखा है, ठीक है, इसका मतलब आप लूसेंट कंप्लीट करना चाहते हो। अब देख लो, ये लूसेंट की बुक है, न्यू एडिशन से है और इसके बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। इसका रिव्यू नहीं करेंगे, मैं बताऊंगा कि कैसे आप कंप्लीट कर सकते हो वेरी इजीली, और कंप्लीट कर लेते हो तो वो वहाँ पे ही कंप्लीट नहीं होती चीज़ें, कंप्लीट करने के बाद आपको रिवीजन करना होता है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कंप्लीट कैसे करते हैं, कभी कभी होता क्या कि आप बोर हो जाते हो, तो पहले आप ये देख लो कि जो लूसेंट जनरल नॉलेज की जो बुक है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। ये वेरियस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जहाँ भी जनरल नॉलेज पूछा जाता है। अब देख लोगे कि ये सारे एग्ज़ाम लगभग कवर करते हैं, यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता है वो हो गया, जो बाकी यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, सीडीएस, एनडीए, ये सारी, फिर स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, देन बैंकिंग, यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं वो सारे, फिर कैट, मैट, क्लैट, एमबीबीए, मतलब सारे एग्ज़ाम लगभग जो भी ऑफिसर रैंक से लेकर के, मतलब ग्रुप ए से लेकर के ग्रुप डी तक सारे एग्ज़ाम में जिसमें भी जीएस पूछा जाता है उसके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको कवर करने में कभी कभी क्या होता है कि एक तो कवर करने में प्रॉब्लम होती है, फिर माइंड बोर हो जाता है, कुछ इन्फॉर्मेशन समझ में नहीं आती है, वो सारा डाउट जो है वो अभी क्लियर होगा और मैं कंप्लीट करवाऊँगा आपका जनरल नॉलेज की जो बुक है लूसेंट की, उसको कैसे करेंगे ये देखते हैं। पहले तो आपको ओवरव्यू देखनी है। ओवरव्यू ये सिंपल सा चीज़ है बट जनरली स्टूडेंट देखते नहीं है। ओवरव्यू इन द सेंस कि आपको सब्जेक्ट कौन सी है ये आपको ज़रूर देखनी है। पहले आपको स्टार्ट करते, ऐसा नहीं कि कोई सब्जेक्ट चूज किया स्टार्ट कर दिया पढ़ना स्टार्टिंग से, कुछ भी नहीं देगा, नहीं। आपको देखनी है कि सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। सब्जेक्ट तो आप देख ही लोगे, मान लो आपको एक प्लान बनानी है कि हाँ मैं एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट या तीन सब्जेक्ट रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगा। तो मान लो आपने दो सब्जेक्ट स्टार्ट किया, ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लो, आप एक भी स्टार्ट कर सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है मतलब दो ही करना है, आप एक ही स्टार्ट करो, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि जैसे हिस्ट्री, आपने इंडियन हिस्ट्री लिया, ठीक है, तो अब चैप्टर वाइज आपको देखनी है, चैप्टर में भी क्या करना है, जो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए उसको चूज कर लेनी है, और उस तरह से भी आप करना चाहते हो। अगर पूरा कंप्लीट करना चाहते हो तो चैप्टर फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करो, ठीक है, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। अब चैप्टर भी आपको देखनी है प्रॉपर तरीके से, और चैप्टर को भी डिवाइड करना है टॉपिक में। जैसे एक चैप्टर अचानक आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो दिक्कत होगी, करना क्या आपको, अगर पॉसिबल हो सके तो स्ट्रक्चर बनाओ टॉपिक्स की, ठीक है, या फिर मेन टॉपिक लिख लो आप, ठीक है। इससे क्या होता है, आप अचानक चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करो, पूरा मान लो आपने दो तीन पेज का चैप्टर है, ठीक है, या मान लो पाँच पेज का चैप्टर है, तो माइंड बोर हो जाएगा, बोलेगा इतना सारा पढ़ना है, तो आपको चैप्टर देखनी नहीं है, पहले मेन टॉपिक आपको ओवरव्यू लेनी है, मेन टॉपिक जो उसमें है उसको लिख लो, और नहीं तो स्ट्रक्चर अगर पॉसिबल हो तो वो आप बना लो। आप अगर नहीं समझ पा रहे हो तो देखते हैं स्ट्रक्चर आगे मैं दिखाता हूँ। जैसे फर्स्ट चैप्टर है हिस्टोरिकल सोर्सेज का, ठीक है, तो आप इसको देखोगे पहले स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, तो इसका लिटरेरी सोर्स में डिवाइड करते हैं हिस्टोरिकल सोर्सेज को, फिर आर्कियोलॉजिकल सोर्स, ठीक है। अब इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर दिया आपने, अब आप इसको नहीं देखोगे, अभी इसको देखोगे लिटरेरी सोर्स को, तो इसमें इंडिजिनस सोर्स हो गया, फॉरेन सोर्स हो गया, फिर इसको आप नहीं देखोगे फिलहाल, आप इंडिजिनियस सोर्स को देखो, तो इंडिजिनस सोर्स में रिलीजियस टेक्स्ट और सेकुलर टेक्स्ट, इसी तरह फॉरेन टेक्स्ट में अगर देखो तो आपको दिख जाएगा ये सारी चीज़ें, ठीक है, राइटर्स जैसे ग्रीक राइटर्स, रोमन राइटर्स, और रिलीजियस टेक्स्ट में ब्राह्मणिकल, देन बुद्धिस्ट, जैन टेक्स्ट, और सेकुलर टेक्स्ट में हिस्टोरिकल टेक्स्ट, ऐसे करके आप स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है। तो आपने लिटरेरी सोर्स की स्ट्रक्चर इस टाइप से बना ली, तो आप क्या देखोगे कि स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको चीज़ें क्लियर हो गई, माइंड आपको बस ये फिगर देख रहा है, ये स्ट्रक्चर देख रहा है, तो इसमें होगा कि टॉपिक आपको दिखेंगी और ये सिंपल सिंपल टॉपिक, पूरा चैप्टर नहीं दिखेगा, ठीक है, चार पांच पेज जो आप देख रहे हो नहीं दिखेगा, तो इससे माइंड ये नहीं होगा कि यार इतना पढ़ना है, बस आपको देखना है कि वो जैन टेक्स्ट है, ठीक है, ब्राह्मणिक या फिर हिंदू टेक्स्ट जो भी बोलो ये टेक्स्ट है, ठीक है, मैं देख लूँगा। तो इससे क्या होता है, माइंड का वो जो मतलब माइंड जो बर्डन लेने लगता है वो नहीं होगा। अब आपको एक टॉपिक लेनी है, आपको बोलना है बस ये पढ़ना है, एक टॉपिक कितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो एक पेज का होगा,
बट एक पेज का भी मतलब रेयरली आपको एक टॉपिक जो मेन टॉपिक है देखने को मिलेगा। चलिए एक टॉपिक में मान ले, एक पेज में मान लेता हूँ, तो एक पेज तो आसानी से आप एक बार अगर आप बैठते हो तो एक बार में एक पेज ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको करनी, पहले स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सके तो बना बना लो आप, और फिर स्टार्ट करो पढ़ना, ठीक है। टॉपिक वाइज आपको पूरा चैप्टर मतलब पूरा चैप्टर देखना नहीं है कि हिस्टोरिकल सोर्सेज पूरा नहीं, आपको बस एक टॉपिक उठानी है उसको पढ़नी है। इसी तरह आप अगर हिस्टोरिकल सोर्सेज में आर्कियोलॉजिकल की देखो तो आर्कियोलॉजिकल की भी स्ट्रक्चर आप इस तरह से बना सकते हो। अगर पॉसिबल है तो स्ट्रक्चर ज़रूर बनाना, और इससे क्या होगा, अब स्ट्रक्चर बना लिया आपने तो इसमें क्या होगा कि आप एक टॉपिक लोगे और पढ़ोगे, माइंड को बर्डन मतलब फील नहीं होगा, और आप आसानी से इसको कवर कर पाओगे, ठीक है। तो ये मतलब वन बाय वन कवर करोगे तो पता चलेगा लास्टली आपने पूरा कवर कर लिया, ठीक है। उसके बाद मतलब जैसे लिटरेरी सोर्स कंप्लीट किया तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स में आप स्टार्ट करोगे मौर्यन से, ठीक है। मौर्यन इंस्क्रिप्शन जो है वो पढ़ोगे आप, ठीक है। उसके बाद पोस्ट मौर्यन इंस्क्रिप्शंस ऐसे करके पढ़नी है वन बाय वन, ठीक है। बाकी चीज़ों को आपको देखना ही नहीं है, इससे बोर फील नहीं होगा, पहला। अब देख लेते हैं आगे, ये आपने किया पिरामिड, अगर स्ट्रक्चर नहीं बन पा रहा है या नहीं बना पा रहे हो तो मेन टॉपिक लिख लो, और मेन टॉपिक में एक एक टॉपिक उठा करके पढ़नी है। अब क्या करना है, चीज़ों को समझना है। टॉपिक तो आपने उठा लिया, चीज़ों को समझनी है, कॉन्सेप्ट को समझनी है, और रिलेटेड पिक्चर या फिर वीडियो पॉसिबल हो तो देख लो, अगर टाइम है आपके पास, मोबाइल है आप उससे रिलेटेड पिक्चर देख सकते हो। और बाकी जो हाईलाइट करनी है वो काफ़ी मतलब एक दो वर्ड हाईलाइट भी कर सकते हो, लाइन भी हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपको करनी है जो इंपॉर्टेंट लगे, ऐसा नहीं कि सारा इंपॉर्टेंट नहीं होता है एक्चुअली, तो वो आपको हाईलाइट करनी है, ठीक है, वर्ड्स या फिर लाइन जो भी आपको काम का लगे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको करना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो, ठीक है। अब ये हाईलाइट कैसे करनी है, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो कि फॉरेन इंस्क्रिप्शन आप पढ़ रहे हो, वुज का इंस्क्रिप्शन पढ़ रहे हो, तो उसमें देखोगे कि ये दिया हुआ है कि अर्लीस्ट डेसिफरेबल इंस्क्रिप्शन है ये, ठीक है। तो इसको आप हाईलाइट कर लो, ये अर्लीस्ट डेसिफरेबल इंस्क्रिप्शन, ठीक है। वुज का ही आपको पता है तो ये तो हेड है मतलब हेडलाइन है, तो आपको पता चल जाएगा कि वुज का इंस्क्रिप्शन जो है अर्लीस्ट डेसिफरेबल इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। अगर आप इसका लोकेशन जानना चाहते हो तो एशिया माइनर टर्की को भी हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। तो इससे पता चलेगा कि एशिया माइनर टर्की में है, इसे रिलेटेड पिक्चर आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे डिस्कवरी आपने किया, फिर ये ह्यूगो विंकलर कर लिया तो ये हाईलाइट हो गया, पिक्चर आप देख सकते हो जैसे ये पिक्चर, ठीक है। और एशिया माइनर टर्की की भी पिक्चर अगर पॉसिबल हो मोबाइल खोलो आप देख लो, ठीक है। इससे क्या होगा, माइंड बोर नहीं होगा, ठीक है, तो आप आसानी से कर पाओगे। और ये क्या होगा, जैसे हाईलाइट किया तो हाईलाइट का क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं आगे बताता हूँ। ये आपने कर लिया, यहाँ इतना तक आपने कर लिया, अब ये रिवीजन में आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो हाईलाइट जो आपने किया, ठीक है। तो रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है, आप एक बार कंप्लीट कर लेते हो लूसेंट, बोलते हो अरे कुछ लोग बोलते हैं कि कैसे 1 महीने में कंप्लीट कर लेते हैं लूसेंट, चलिए तो आप एकदम पूरा मेहनत करते हो कंप्लीट, 1 महीने में एक तो होगा नहीं है, आप कर भी लेते हो तो वो कोई फ़ायदा क्या नहीं है, आप एग्ज़ाम में सारा मिक्स हो जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा। तो आप ऐसा नहीं सोचो कि 1 महीने में कंप्लीट कर लेना है, वो टाइम लेगा, 2 या 3 महीना तो लेगा ही मुझे जैसा लगता है, ठीक है। बाकी अब आपके कैपेसिटी पे तो 1 महीना में भी ख़त्म कर सकते हो, बट ख़त्म करना ये कोई बड़ा डील नहीं है, आपको करनी क्या है, रिवीजन। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और रिवीजन आपको जितना बार हो सके उतना बार करना है। रिवीजन के टाइम पे जो आपने हाईलाइट किया है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, बस आप हाईलाइटेड पार्ट को देखोगे और चीज़ें समझ जाओगे, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपको पता चल चुका है और आपने रिलेटेड पिक्चर्स देखे हैं, तो जब भी आप देखोगे तो वो पिक्चर आपके माइंड में आएगा कि वो मैंने बुज का इंस्क्रिप्शन का पिक्चर देखा था कुछ इस टाइप का था, तो वो माइंड जो है अच्छा फील करेगा रिवीजन के टाइम भी और पढ़ने के टाइम भी, ठीक है। बोर नहीं होगे, चीज़ों को धीरे धीरे कंप्लीट कर लोगे, एक बार बर्डन लोगे तो माइंड कुछ भी मतलब नहीं पढ़ना चाहेगा, कुछ भी नहीं देखना चाहेगा, आप बोर हो जाओगे, छोड़ दोगे, सो जाओगे, तो ये दिक्कत होगी, ठीक है। आप एक दिन में कुछ कर नहीं सकते, वैसे सारी चीज़ें जो हैं वो टाइम के साथ होती है, टाइम तो लगेगा, ठीक है। फिर भी आप ये सब कुछ नहीं करना चाहते हो, जो भी मैंने बताया वो नहीं करना चाहते हो, ठीक है, बट लूसेंट जी के कंप्लीट करना चाहते हो तो कोई नहीं, मैं आपके लिए करूँगा, ठीक है। बस आपको करनी क्या है कि आपको यहाँ पे आपको इस एक चैनल का सर्व चैनल है, इस चैनल का आइकन दिख जाएगा, इस आइकन पे आपको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेनी है,
और नहीं सब्सक्राइब करना है तो एक बार चैनल आप विजिट करो, देखो मैं आपके लिए सारी चीज़ें, स्ट्रक्चर बनाना, हाईलाइट करना चीज़ों को, मतलब कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए कर दूंगा, ठीक है। बस आपको उसको देख लेनी है एक बार। अगर आप जाके देखो चैनल पे, आपको पसंद आए तो आप ज़रूर फॉलो करो, और नहीं तो ये सारे स्टेप आपको आई थिंक इम्पॉर्टेंट होगा, आप ये फॉलो करो, बोर नहीं होगे, आराम से कंप्लीट करोगे, ठीक है। और चूंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कंप्लीट कर दूंगा, कि अगर आप वीडियो देखते हो तो रिवीजन में आसानी होगी, आप वीडियो को अगर बार बार देख लेते हो तो चीज़ें पूरी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करो इस आइकन पर क्लिक करके, और बाकी आप ये आई थिंक अच्छा लगा अगर आपको तो आप लाइक कर सकते हो। बाय।